चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ऑफ इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाय दिस, द करंट एट द बिगिनिंग टी इज इक्वल टू जीरो कितनी होगी, स्टार्टिंग में जब टी की वैल्यू जीरो है उस वक्त करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो करंट का इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन दिया हुआ है साइन टू साइन हंड्रेड हंड्रेड पाई टी प्लस पाई बाई थ्री एम्पियर, ठीक है। तो इससे कंपेयर अगर हम करें, ठीक है, t इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, इसमें t इज इक्वल टू जीरो पुट करें क्या हो जाएगा, साइन 100 पाई इंटू जीरो प्लस पाई बाई थ्री, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू टू साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री बाई टू, टू से टू कटा रूट थ्री आ गया। इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू जब t इज इक्वल टू जीरो है उस वक्त करंट की वैल्यू रूट थ्री है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।